हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कुछ टाइम पहले मैंने टेलीग्राम पर एक पोल रखा था और मैंने आपसे पूछा था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको दो ऑप्शन दिया था, एक न्यू अटैक विद फुल डिटेल और एक IMEI नंबर ट्रैकिंग विद फुल डिटेल। तो सबसे ज्यादा जो वोट आया था वो आया था IMEI नंबर ट्रैकिंग के ऊपर। तो उसके बाद मैंने रिजल्ट को अनाउंस कर दिया था और ये बता दिया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो IMEI नंबर ट्रैकिंग के ऊपर ही आने वाला है। तो लो भाई, वीडियो आ गया है। सो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि IMEI नंबर क्या होता है, IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या है और इसका यूज क्या होता है फोन में, एंड पुलिस चोरी हुआ या टेररिस्ट का फोन कैसे ट्रैक कर लेता है IMEI नंबर से। एंड हम लोग ये भी बात करने वाले कि फ्यूचर में अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, एंड क्या हम लोग IMEI नंबर से अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं, तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते, और ऐसे ही कई सवाल होगा आपके मन में IMEI नंबर ट्रैकिंग को लेकर। तो आज की वीडियो में ये सारा सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखना बिना स्किप किए हुए। एंड इसका दो पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट में हम लोग ये देखेंगे IMEI नंबर ट्रैकिंग होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंड इसका फोन में यूजेस क्या होता है, और अगर इन फ्यूचर आपका फोन चोरी हो जाए तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका फोन वापस मिल जाए, और क्या आपको अपने चोरी हुए फोन का कंप्लेंट पुलिस में करना चाहिए या नहीं। एंड दूसरी पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि IMEI नंबर से कैसे पुलिस कोई भी फोन को ट्रैक कर लेता है, एंड क्या हम लोग अपने फोन को IMEI नंबर से ट्रेस कर सकते हैं, अगर ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो कैसे हम लोग अपने फोन को खुद से ब्लॉक करवा सकते हैं। तो दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही में ये वीडियो 18+ सबटाइटल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में इस वीडियो को देख सकते हो एंड समझ सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि IMEI नंबर होता क्या है। देखो, IMEI नंबर एक 15 या 17 डिजिट का नंबर होता है जो दुनिया के हर एक डिवाइस को दिया जाता है जो भी इंटरनेट या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं आपको कुछ चीज को एग्जांपल के साथ समझाऊं तो समझो आपके पास एक ब्लूटूथ हेडफोन है और आपके पास एक डोंगल है। जिनको नहीं पता कि भाई डोंगल क्या होता है तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि डोंगल एक छोटा डिवाइस होता है जिसे हम लोग हॉटस्पॉट डिवाइस भी कह सकते हैं। जैसे कि JioFi डोंगल हो गया या फिर Airtel डोंगल हो गया, ये एक पॉकेट डिवाइस होता है जिसमें एक सिम लगता है और उसमें रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। इसका यूज इंटरनेट स्पीड इंक्रीज करने के लिए जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जियो सिम है एंड आप स्पीड टेस्ट करते हो अपने फोन में जियो सिम का यूज करते हुए, तो आपको स्पीड मिलता है 2 Mbps। अब आप अपने डोंगल से अपने फोन को कनेक्ट करते हो एंड आप स्पीड टेस्ट करते हो तो आपको कुछ 12 Mbps का स्पीड मिलता है, सेम लोकेशन सेम सिम, लेकिन आपको डोंगल से 12 Mbps स्पीड मिल रहा है जबकि सिम से कुछ 2 Mbps का स्पीड मिल रहा है। मतलब मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो इससे इंटरनेट स्पीड इंक्रीज होता है। तो अब आप समझो कि आपके पास एक ब्लूटूथ हेडफोन है और आपके पास एक डोंगल डिवाइस है। डोंगल डिवाइस इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है जबकि ब्लूटूथ हेडफोन इंटरनेट या नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो अब आप ये सोचो कि IMEI नंबर इन दोनों डिवाइस में से किसके पास होगा। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करना है, लेकिन कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब टाइम खत्म हो गया है, तो चलो अब देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या था। तो करेक्ट आंसर है डोंगल डिवाइस। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि IMEI नंबर उस डिवाइस को दिया जाता है जो भी डिवाइस इंटरनेट या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब ब्लूटूथ हेडफोन को आपके फोन के साथ कनेक्ट होने में उसको कोई भी सिम या इंटरनेट या नेटवर्क का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि डोंगल डिवाइस को सिम इंटरनेट और नेटवर्क का जरूरत पड़ता है ताकि आपको इंटरनेट एक्सेस दिला पाए, इसलिए डोंगल डिवाइस को IMEI नंबर प्रोवाइड किया जाता है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि IMEI नंबर सिर्फ उसी डिवाइस को दिया जाता है जो भी इंटरनेट या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका यूज क्या क्या है अब हम लोग उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले IMEI का यूजेज जानने से पहले हमको इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म में ही इसका यूजेज छुपा हुआ है। तो IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब इस नाम से थोड़ा तो आइडिया लग रहा है कि ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया से काम नहीं बनेगा। हमें और भी डिटेल में जानना होगा कि IMEI नंबर का यूजेज क्या क्या है ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए IMEI नंबर को लेकर। तो अभी मैं आपको इसका 5 यूजेज बताऊंगा, हालांकि इसका यूजेज और भी बहुत सारा होता है, लेकिन मैं सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट यूजेज बताने वाला हूं। तो पहला यूज डिवाइस ट्रैकिंग। तो सबसे पहले इसका यूज डिवाइस ट्रैकिंग के लिए किया जाता है, मतलब अगर आपका फोन कहीं चोरी हो जाए या कहीं खो जाए तो इस केस में आपका फोन को IMEI नंबर से ट्रैक किया जा सकता है एंड उसका पता लगाया जा सकता है। नंबर 2, मोबाइल नेटवर्क ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब आप जब भी अपने फोन में कोई सिम को लगाते हो एंड आपका फोन जब नजदीकी टावर के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करता है तब टावर आपके फोन को वेरीफाई करता है IMEI नंबर से कि ये IMEI नंबर में कोई कंप्लेन या इशू तो नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपका फोन टावर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। नंबर 3, फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन का मतलब कि धोखाधड़ी को रोकना। IMEI नंबर फेक फोन को पहचानने में मदद करता है, साथ ही में ये चोर या टेररिस्ट लोगों को पकड़ने में भी मदद करता है। नंबर 4, वारंटी और इंश्योरेंस क्लेम। मतलब आप जब भी अपने फोन का वारंटी एक्सटेंड करवाना चाहते हो या इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो उसमें आपका फोन का IMEI नंबर का जरूरत पड़ता है, तो IMEI नंबर आपका इंश्योरेंस या वारंटी में भी हेल्प करता है। नंबर 5, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। IMEI नंबर का यूज इसके लिए भी किया जाता है कि आपके फोन में कोई अपडेट आया है या फिर नहीं आया है ताकि आप अपने फोन को टाइम टू टाइम
अपडेट कर सको। और IMEI नंबर कंपनी का भी हेल्प करता है कि कब और कौन सा फोन में अपडेट पुश करना है, तो IMEI नंबर कस्टमर और कंपनी दोनों का हेल्प करता है। और IMEI नंबर में बहुत सारे डेटा स्टोर होता है, जैसे सीरियल नंबर, मोबाइल मॉडल, रैम, स्टोरेज और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स एक IMEI नंबर में स्टोर होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका फोन बाय चांस फ्यूचर में चोरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब घबराते तो आपसे कुछ गलत काम हो जाता है, तो सबसे पहले आपको शांत रहना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका फोन गिरा कहाँ है, घर पर गिरा या फिर बाहर गिरा है। अगर घर पर गिरा है तो आप कॉल करके पता कर सकते हो कि आपका फोन किधर है, लेकिन अगर बाहर गिरा है तो कभी भी डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि अगर आपका फोन बाहर गिरा है ना तो ये हाईली चांसेस होता है कि वो जल्दी किसी के नजर में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कॉल करते हो तो रिंगटोन के साउंड से कोई ना कोई का नजर पड़ जाएगा आपके फोन में। अगर कोई अच्छा आदमी हुआ तो आपका कॉल रिसीव करके आपका फोन दे देगा, लेकिन अगर कोई खराब आदमी हुआ तो वो आपका कॉल कट करके आपके फोन को स्विच ऑफ करके ले जाएगा। तो अगर आपका फोन बाहर गिरा है तो पहले कॉल मत करना, आपको फाइंड माई डिवाइस का यूज करना है। जिनको फाइंड माई डिवाइस के बारे में नहीं पता उनको बता देना चाहता हूँ कि फाइंड माई डिवाइस एक एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर होता है जो हर फोन में बाई डिफॉल्ट दिया जाता है। इससे आप अपने फोन का लोकेशन पता कर सकते हो और आप अपने फोन का रिंग भी करवा सकते हो भले आपका फोन साइलेंट पे हो, और इससे आप अपने फोन को लॉक भी कर सकते हो ताकि आपका जो पर्सनल डेटा है वो कोई और ना देख सके। साथ ही में आप अपने फोन को रिसेट भी कर सकते हो, लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आपका फोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। तो चलो हम लोग सपोज करते हैं कि आपका फोन का इंटरनेट ऑन है, तो सबसे पहले आपको उसी जीमेल से लॉगिन करना जो आपका खो गया हुआ फोन या चोरी हुआ वाला फोन में लॉगिन था। तो जीमेल लॉगिन करने के बाद आपको अपने गूगल पर आना, गूगल पर सर्च करना फाइंड माई डिवाइस। जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो आपको जो पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा फाइंड माई डिवाइस बोल करके, या गूगल का सिंबल भी होगा, आपको उसको ओपन करना। उसके बाद आपको इस वेबसाइट को ओपन करना। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको राइट साइड कॉर्नर में ना आपको लोगो देखने को मिल रहा होगा। यहाँ आपको जैसे वो उस लोगो के ऊपर क्लिक करना है आपके नाम का या फिर आप जो भी लोगो लगा करके रखोगे। यहाँ से आपको उस जीमेल को सिलेक्ट करना है जो भी जीमेल आपके उस फोन में लॉगिन था। तो मेरे फोन उस फोन में ये वाला जीमेल लॉगिन था, बाकी सब मैंने तो हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर ये वाला जीमेल लॉगिन था, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद वो जीमेल कौन कौन सा फोन में लॉगिन होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये जीमेल दो फोन में लॉगिन था, एक ये वाला फोन में, एक ये वाला फोन में जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दूसरे वाले फोन में। तो ये जीमेल ये दो फोन में लॉगिन था। अब जो फोन आपका चोरी हुआ वो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा वो वाला फोन चोरी हुआ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, बट मेरे ये वाला फोन चोरी हुआ तो मैं ये पहला फोन पे रहूँगा। फिर मैं जैसे पहला वाला फोन पे गया, ये इन्फिनिक्स है एंड ये वाला MI का है, पोको M4 Pro। तो हम लोग सपोज करिए पहला फोन इन्फिनिक्स से चोरी हो गया, ये दूसरा फोन है जो हमने लॉगिन किया है अपना पोको M4 Pro जिसे हम लोग देख रहे हैं। तो इसे हम लोग पोको M4 Pro को इग्नोर करते हैं, हम लोगों को मतलब है जो चोरी हो गया फोन है। तो आपको उससे वहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पर ये रिफ्रेश वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो उसका लेटेस्ट लोकेशन, साथ में उसने कितना उसमें चार्ज है एंड उस डिवाइस का क्या नाम है। जैसे देखो यहाँ पर इसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 10 और उस डिवाइस का चार्ज है 85% एंड कौन सा वाईफाई के साथ कनेक्ट है या नेटवर्क के साथ कनेक्ट है वो आपको ये भी बता देगा। यहाँ पर पोको M4 Pro का वाईफाई के साथ ये फोन कनेक्ट है। और साथ ही में अगर आपको अपने डिवाइस का IMEI नंबर याद नहीं है तो आप जीमेल को लॉगिन करके यहाँ पर आपको एक आई बटन का एक छोटा सा बटन देखने को मिल रहा होगा, आई लिखा हुआ, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको मैंने बदल कर दिया अपने IMEI नंबर को। आपको यहाँ पर IMEI नंबर देखने को भी मिल जाएगा आपके डिवाइस को। अगर आपको याद या फिर बिल या बॉक्स नहीं है आपके पास तो आप यहाँ से IMEI नंबर को ले सकते हो। और यहाँ देखो यहाँ पर आप अपने लोकेशन भी देख सकते हो फोन, अभी अपने फोन का लोकेशन भी देख सकते हो। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो आपका फोन किधर है, किस जगह पे। आप यहाँ से एकदम स्मॉल करके देख सकते हो कि हाँ भाई मेरा फोन किस जगह पर है, इस वक्त कहाँ पे है, कौन सा कंट्री, कौन सा सिटी या कौन सा जगह पे, एड्रेस आप देख सकते हो पूरा। यहाँ पर पूरा लोकेशन देख सकते हो गूगल मैप का तरह। हालांकि अभी तो मेरा फोन चाइना के अंदर है, मैंने फेक GPS का यूज किया इसलिए चाइना में मैं कुछ मिनट सेकंड के अंदर ही चाइना से चल सकता हूँ पाकिस्तान में। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई लोकेशन चेंज हुआ या नहीं। तो मैं इसको थोड़ा स्मॉल करता हूँ एंड भाई जल्दी लोड हो जा। तो ये रहा भाई, और स्मॉल करते हैं, देखते हैं कि अब मेरा फोन किधर है। तो आप देख सकते हो कि अब मेरा फोन कुछ 2 सेकंड के अंदर चाइना से आ गया भाई पाकिस्तान में। इसी तरीके से अगर वो चोर को भी पता होगा ये फेक GPS का कैसे यूज करना है तो वो यूज करके आराम से बच सकता है। लेकिन नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि प्ले साउंड। अगर आपका फोन कहीं बाहर गिर गया है तो आप यहाँ पर लोकेशन पहले चेक करो कि फोन गिरा कहाँ है। अगर कोई सन्नाटा जगह पे गिरा है तो यहाँ पर आपको लोकेशन बता रहा होगा, आप उस लोकेशन पे चल जाना। उसके बाद यहाँ पर प्ले साउंड करना तो वो फोन में ऑटोमेटिकली साउंड प्ले होने लगेगा भले वो फोन साइलेंट में हो। तो आप ऐसे प्ले साउंड कर सकते हो, साथ ही आप यहाँ से अपना सिक्योर डिवाइस भी कर सकते हो। एक मिनट, साथ ही में आप अपने फोन को लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ सिक्योर डिवाइस का एक ऑप्शन मिल रहा है। बाई चांस अगर आपके फोन में कोई लॉक नहीं लगा हुआ है एंड आप चाहते हो कि मैं अपने फोन को लॉक कर दूं तो आप यहाँ से अपने फोन को लॉक भी कर सकते हो। एंड गाइस लास्ट ऑप्शन है इरेज डिवाइस, इसका मतलब कि उस फोन में जितना भी कॉन्टैक्ट, फोटो या जितना भी डिटेल था सबका सब एक बार में खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इससे आप अपने जो पर्सनल डेटा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब तो तब काम आएगा जब आपका फोन का इंटरनेट ऑन। अगर आपका फोन का इंटरनेट ऑन नहीं है एंड फाइंड माई डिवाइस से भी फोन नहीं मिल रहा है
देन आपके पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी ऑप्शन बचता है, वो क्या मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस अगर आपका फोन फाइंड माय डिवाइस से भी नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आप अपने फोन को ब्लॉक कर सकते हो और कैसे कोई भी पुलिस फोन को ट्रैक करता है एंड किस तरीके से आप अपने फोन को IMEI नंबर से ट्रैक कर सकते हो, ये सारी की सारी बात हम लोग अपने दूसरे पार्ट में बात करेंगे। पहला पार्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो हम लोग वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, दूसरा पार्ट के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा एंड आप लोग दूसरा पार्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग जल्द से जल्द उस वीडियो को बना पाए। एंड जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के लिए। और अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी विजिट कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस चलो मिलते हैं कोई नई वीडियो में कई नई टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गाइस बाय बाय। It's not a game, it's a rage game.